फाइनली वो दिन आज आ ही गया। हाँ आज पापा लाएंगे नई कार, मैं रोज उसमें बैठकर स्कूल जाऊंगा, सारी लड़कियां मुझ पर फ्लैट हो जाएंगी, उनका हीरो बन जाऊंगा मैं। अबे ओ खजूर के बीच दिन के सपने देखना बंद कर, तुझे स्कूल ले जाने के लिए नहीं मिलेगी मेरी कार। मेरी? तेरी कैसे हुई? मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। आ गई कार। मेरे बच्चों। पापा। अरे कहाँ गए, अभी तो मुझे गले लगाने आ रहे थे। क्या पापा, गाड़ी तो देखने दो अच्छे से। नालायको, यहाँ तुम्हारा बाप भाई बहलाए खड़ा है और तुम बाप को छोड़कर गाड़ी को हक कर रहे हो। अरे पापा, आपकी इतनी खून पसीने मेहनत की कमाई लगी है इसमें, तो क्यों ना लगाएं इसे गले। हाँ पापा, आप तो घर की मूली हो। क्या बोला? अरे क्यों डांट रहे हो बच्चों को? नहीं नहीं, गाड़ी आई है, गाड़ी देख लेने दो। लाओ पापा, गाड़ी की चाबी दो, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं। नहीं पापा, मुझे दो चाबी, मैं इसमें बैठ के लड़कियां बताऊंगा। नहीं, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। अरे कच्चे भटूरो, कच्चे नालायकों की तरह लड़े जा रहे हो। नहीं नहीं, गाड़ी आई है, कम से कम पूजा तो कर लें दो। हाँ डार्लिंग, जल्दी से जाओ नारियल और पूजा की थाली लेकर आओ और नारियल फोड़ दो, जल्दी जाओ पापा के सर पे। ओ, पापा देखो क्या बोल रहा है। क्या क्या बोला नालायक? बाप के सर पर नारियल फोड़ेगा तो? आप पिटाई कर लो, मैं जब तक पूजा की थाली और नारियल लेके आती हूँ। और मारो पापा, और मारो, इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की। अरे यार मम्मी जल्दी आओ ना, मुझे अपनी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। अरे हाँ हाँ आई। आ जाओ पूजा करते हैं। ये ले बेटा नारियल फोड़। अरे नहीं नहीं, ये पिलपिली ऐसी सगल का मेरा सर फोड़ देगा। बेटी बेटा, तू इस घर का गुड लक है, ये ले तू ही नारियल फोड़। ओके पापा। सॉरी पापा, सॉरी पापा। पापा आपके गुड लक ने तो आपके सर को गुल्लक की तरह फोड़ दिया। सीटी, तेरी तो। अरे बस भी करो, अब नई गाड़ी आई है, चलानी भी है कि नहीं चलानी है? हाँ हाँ चलानी है, लेकिन गाड़ी चलानी आती किसको है? जिसको गाड़ी चलानी आती होगी समझ लो गाड़ी उसी की है। क्या इसका मतलब? जिसको गाड़ी चलानी आती है गाड़ी उसकी। एक काम करती हूँ, अभी हाँ बोल देती हूँ, बाद में अपने बॉयफ्रेंड को बुला के उससे चलवा के लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। मम्मी पापा मुझे आती है गाड़ी चलाने, लाओ चाबी दे दो। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, इससे पूछो जरा इसने कहाँ से सीखी। मेरी फ्रेंड ने सिखाई है, मेरी फ्रेंड अमीर है, उनके पास कार है, तेरे दोस्तों की तरह नहीं है जो 5 रुपए वाली मैगी में 20-20 लोग ठूस ठूस कर खाते हो। चुप रह तू बंटी, दीदी को चलाने दे। ये ले स्वीटी बेटा, तू चला गाड़ी। थैंक यू पापा। अरे थैंक यू की क्या बात है बेटा, चलो डार्लिंग चलते हैं। हाँ आप लोग जाओ, अब जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड को फोन करके बुला लेती हूँ। हैं जाओ मतलब? अरे बेटा हम भी चलेंगे ना तेरे साथ। कहाँ? लॉन्ग ड्राइव पर। ये क्या, मुझे तो गाड़ी ढंग से चलाने भी नहीं आती। ओए माँ। मर गए। रेडी दीदी चले? हाँ हाँ चलते हैं। रेडी स्टडी गो। अरे अब चल भी ले बेटा। हाँ हाँ चलती हूँ। क्या ढूंढ रही हो दीदी? अरे ये अजीब है कंपनी वाले, चाबी तो दे दी लेकिन ताला कहाँ है ये तो दिख ही नहीं रहा। अरे मेरी माँ, वो कार की चाबी है, वहाँ स्टेयरिंग की साइड में देख, वहाँ लगा और चला। अरे मुझे तो पता था, मैं तो तेरा ही टेस्ट ले रही थी। चलो चलते हैं। चल बेटा चल। चल बेटा चल।
हाँ हाँ चलती हूँ। अरे बेटा पहले बेल्ट तो लगा ले। बेल्ट? अरे हाँ पापा बेल्ट, मैं अभी जाकर लगा के आती हूँ। मेरी जींस नीचे की फिसल रही है, मैं अभी आई। अरे बेटा मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा था। अच्छा सीट बेल्ट। पापा आपको तो पता ही है ना कि मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है, तो मुझे लगा। चल चल अब जल्दी बेल्ट लगा और हमें ड्राइव पर ले चल। वाओ दीदी तुम तो सच में गाड़ी चला लेती हो। अरे स्वीटी क्या हुआ, चल बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी, बस इतना ही काफी है। नई नई है ना गाड़ी, ज्यादा चलाएंगे तो थक जाएगी। जैसे पापा थक जाते तो पापा के पैर दबाते हो ना, और ये थक गई तो इसके भी टायर दबाने पड़ेंगे हमें। हैं? ये क्या बोल रही है तू? अच्छा मैं गलत बोल रही हूँ, गाड़ी आपको चलानी आती है या मेरे को? चलो ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, मिठाई खाएंगे। वाओ मिठाई, चलो चलो। शुक्र है बच गई, वरना आज तो इस गाड़ी का आखिरी दिन होता। अरे स्वीटी बेटा उठ जा, बिमला मौसी के यहाँ जाना है गाड़ी से। क्या बिमला मौसी? नहीं 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 नहीं, वो मेरे बालों में तेल लगा के मेरे बालों की चोटी बना देती है। नहीं मुझे नहीं जाना। बेटा अगर तू नहीं जाएगी तो कौन जाएगा, तेरे अलावा तो किसी को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। हाँ तो अगर मेरी गाड़ी से चलना है तो मेरे पसंद के रिश्तेदारों के यहाँ चलना पड़ेगा। लेकिन बेटा तुझे तो कोई भी रिश्तेदार पसंद नहीं। हाँ तो मुझे सोने दो, मुझे किसी के घर नहीं जाना है। दीदी प्लीज मुझे स्कूल ले चलो ना गाड़ी से, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है और मेरी बस भी नहीं आई है आज। प्लीज दीदी। अच्छा गाड़ी से स्कूल जाना है? हाँ दीदी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अच्छा पहले तो मेरे लिए एक कप चाय लेके आ, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। अभी लाया दीदी, उसके बाद प्लीज मुझे स्कूल ले चलना गाड़ी से। अरे वाह मेरा ये स्कैम तो मस्त चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे गाड़ी चलानी आती भी नहीं और मैं ऐसे ही मजे लेती रहूंगी। ये लो दीदी जल्दी जल्दी पी लो और प्लीज मुझे स्कूल ले चलो। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगी? परेशान मत हो दीदी मैं दबा देता हूँ। दीदी अब तो चाय भी खत्म हो गई, प्लीज चलो ना मेरा एग्जाम छूट जाएगा प्लीज। हाँ हाँ चल रही हूँ। वैसे किस सब्जेक्ट का एग्जाम है तेरा? मैथ्स का। मैथ्स का? छी 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 मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी थार मैथ्स का एग्जाम दिलाने बिल्कुल नहीं जाएगी। क्या इतनी देर से जोकर की तरह मुझसे काम करवा रही थी और अब मना करने लगी, तेरी तो। स्वीटी स्वीटी बेटा। अरे ये तो मम्मी की आवाज है, क्या हो गया मम्मी को? मम्मी क्या हुआ पापा को? दीदी लगता है पापा को हार्ट अटैक आया है, इन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। अरे बेटा तुझे पता नहीं है क्या, पूरे शहर में एम्बुलेंस की स्ट्राइक है, तुझे अपनी गाड़ी थार से ही लेके जाना पड़ेगा पापा को। क्या थार से? दीदी ये काफी तो हो जो कार चला लेती हो, दीदी प्लीज पापा को बचा लो प्लीज दीदी प्लीज। हाँ हाँ ले चलो पापा को। हाँ दीदी हम बच गए क्योंकि मैंने सही टाइम पे हैंड ब्रेक खींच दिया। अरे मम्मी पापा कहाँ गए? पापा मम्मी स्वीटी के पापा। अरे तू हमें छोड़ के कहाँ चले गए? अरे आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के?
पापा। पापा उठो पापा, अगर आज दीदी आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाती तो आप ठीक होते पापा। मम्मी पापा यहाँ कैसे आए? अरे स्वीटी तू गाड़ी इतने धीरे धीरे चला रही थी तो पापा उतर के खुद ही हॉस्पिटल जाने लगे, लेकिन आज तेरी वजह से। पापा आई एम सॉरी पापा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपसे कि मुझे गाड़ी चलानी आती है। क्या? हाँ मम्मी, हाँ भाई, पापा ने जैसे ही बोला कि गाड़ी जिसको चलानी आती है गाड़ी उसकी, तो गाड़ी के लालच में मैंने हाँ कर दिया कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, और आज देखो क्या हो गया। मम्मी भाई पापा कहाँ हैं? पापा गए तेरी खबर लेने। पापा आप जिंदा हो? पापा की बच्ची गाड़ी के लिए बाप से झूठ बोलती है। इसका मतलब ये सब नाटक था? हाँ, तुझसे सब सच उगलवाने के लिए। लेकिन आप सबको कैसे पता चला मैंने झूठ बोला है? दीदी जब उस टाइम आप रूम में खुद से बैठकर बात कर रहे थे ना, तब उस दिन मम्मी ने सुन लिया था। अरे वाह, मेरा ये स्कैम तो मस्त चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे गाड़ी चलानी आती भी नहीं और मैं ऐसे ही मजे लेती रहूंगी। ये अच्छा, इसका मतलब स्वीटी को गाड़ी चलाने नहीं आती, ये हमसे झूठ बोल रही थी। अब बताऊंगी इसको। इसका मतलब? इसका मतलब तेरी ड्राइविंग क्लास अब हम लेंगे। बंटी बैठा इसे गाड़ी के बोनट पर, अब आएगा इसे मजा। क्या? नहीं। हे गाइस, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना अपना बेस्ट पार्ट, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संजाली का ब्लॉग।